तो गाइस बहुत लोग गोभी का पराठा नहीं बना पाते, उनके लिए हम पूरा भाई डिटेल डाल लोगों को स्वागत। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है भाई, अभी सुबह के 8:33 हो चुके हैं और गाइस आपको बता दें कि यहाँ पे भी चिड़िया बैठी हुई है, बोल रही है। गाइस आपको बता दें कि आज हमारे यहाँ एक अच्छा सा पकवान बनने वाला है। फिलहाल एक दिन दिखाने की कोशिश किए थे, वो भाई खत्म हो चुका था। आज फिलहाल दिखाएंगे आपको कैसे बनाते हैं, क्या क्या पड़ता है उसमें। फिलहाल चलते दिखाते हैं, क्योंकि मम्मी बना रही हैं, अभी रोटी बना रही हैं और देख सकते हैं। देखो गाइस अभी मम्मी रोटी बना रही है फिलहाल, और आज बनने वाला है, इधर देखो पहले क्या क्या है। ये है भाई प्याज, लहसुन और धनिया, हरी धनिया और अदरक है, और इसमें दिखा दे भाई। ये है गाइस गोभी, ये देखो ये है गोभी। आज बनेगा गोभी का पराठा, फिलहाल इसको पहले कस करते हैं उसके बाद बनेगा। और मम्मी भी रोटी बना रही है, रोटी वोटी बन जाता है तो फिर उसके बाद बनाते हैं। और देख सकते भाई ये है हमारा पूरा किचन, ये देखो अभी इतना छोटा सा किचन है, फिलहाल कभी ना कभी बड़ा हो जाएगा। आप लोग को वेट करना पड़ेगा और हमें भी वेट करना पड़ेगा भाई, बनवाएंगे तो बनेगा, नहीं तो कहाँ बनेगा। फिलहाल भाई इसको कस करते हैं, फिर उसके बाद फिर बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं भाई कैसा लगता है। और खाने में ना गाइस बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल इसको कस करते हैं, फिर उसके बाद बनाते हैं। तो गाइस हम तो भाई गोभी कद्दूकस कर डाले, बट आपसे बता दें उसमें मसाला भी मिला दिया, जैसे हरी धनिया थी, हरी मिर्च थी, प्याज थी, अदरक थी। ये देखो मसाला बनके तैयार हो चुका है, यही इसी से बनेगा भाई गोभी का पराठा। और ये देख सकते हैं ये है भाई गोभी पराठा, और दो रोटी हैं, इसमें भाई मसाला मिला दी है और इसके ऊपर से एक मम्मी डाल रही है फिलहाल। ये देखो अब डाल रही भाई, ये है भाई हमारा किचन, अब इसी पे रखेंगे तो इसी पे पकेगा। और गोभी का पराठा बन के रेडी हो चुका है हमारे यहाँ, और इधर मम्मी बना भी रही हैं, और हमारे लिए एक बन चुका है। ये देखो ये है भाई गोभी का पराठा, और ये है चाय, सुबह सुबह का नाश्ता है गोभी का पराठा और चाय। आपको दिखाते हैं भाई गोभी का पराठा अंदर से कैसा लगता है देखने में। ये देखो गाइस कुछ ऐसा देख सकते हैं भाई, इसमें भाप निकल रही है क्योंकि भाई अभी अभी पक रहा है, भाई गर्म है अभी। और जब छोटा वाला भाई भी खाना स्टार्ट कर दिया है, और हम भी ये देख सकते हैं कुछ ऐसा है गोभी का पराठा। ये देखो गाइस बहुत लोग गोभी का पराठा नहीं बना पाते, उनके लिए हम पूरा भाई डिटेल डाल चुके हैं। तो जैसे बनाते हैं वैसे वैसे आपको दिखाए, और जैसे जैसे मसाला पड़ता है देख सकते भाई, जैसे बन के कुछ रेडी हो चुका है। और अब खाते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि भाई बहुत अच्छा लगता है हमें भी। कुछ ऐसा भाई नहा धोकर रेडी हो चुके हैं, और गाइस आपको बता दी हम सो गए थे और अभी उठे, अभी तो भाई 3:10 बाकी हैं। और गाइस आपको बता दी सबसे पहले चलते हैं साइकिल बनवाने, क्योंकि भाई सुबह सुबह कोचिंग जाते हैं उसमें चैन उतर जाता है, और उसी को चलते हैं बनवाते हैं, और मम्मी से लेते हैं पैसे, उसके बाद चलते हैं। और गाइस आपको बता देते हैं, देखते हैं हमारे घर में क्या हाल है, इधर सब लोग खाना खा के रखे हैं प्लेट। मम्मी पैसे दे तो साइकिल बनवाना है। और गाइस चलते हैं साइकिल वाइकिल बनवाते हैं, और आपको बाहर दिखा देते हैं। देख सकते हैं भाई अभी हमारी जो आजी हैं, हमें आजी अम्मा सब कह देते हैं, ये देखो अभी भाई बना रही हैं गेहूँ, इसको पिसवाएंगी और इसके बाद बनेगी रोटी। ये देखो अम्मा बना रही हैं, ये है भाई सूप और ये है गेहूँ, ये हमारी हैं अम्मा। और आपको बता दें भाई ये वाली हमारी साइकिल है, और अभी भाई साइकिल लाए थे, और देख सकते हैं भाई कितनी ख़राब हो चुकी है हमारी साइकिल, ये देखो। और इसी वाले चैन को बनवाना है गाइस, देख सकते भाई कितना ढीला है, आपको इधर से दिखाते हैं और हम आपको इधर से दिखाते हैं। ये देखो भाई कितना सारा ढीला है ना, ऊपर आ जाता है, देखो इसी को चलते बनवाते हैं। और उधर से भाई, और भाई आटे भी लाने हैं, क्योंकि भाई हम गए थे गेहूँ रख के चले आए थे, आज आटा लेके आएंगे। मम्मी से लेते हैं पैसे, ले दो मम्मी पैसे। ये देखो भाई मिल गए पैसे, लमसम 20-30 रुपये लग जाएंगे भाई साइकिल बनवाने में, और उसके बाद जो बचेगा उससे लाएंगे आटे, क्योंकि भाई हम पीसने के लिए रखे आए थे और आज चल रहे हैं लाने। फिलहाल चलते हैं, ये हमारी साइकिल। भाई कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं बहुत दिक्कत होती है। चल भाई हम तो स्कूल पैदल ही जाते हैं, बट कोचिंग जाते हैं बहुत दिक्कत होती है, उसमें भाई चैन निकल जाता है तो भाई हाथ पूरा ब्लैक हो जाता है, क्योंकि भाई इसमें लगा रखे हैं तेल ब्लैक वाला, तो इसी वजह से हो जाता है। फिलहाल चलते हैं, पहुँचते हैं साइकिल बनवाते हैं। तो फिलहाल गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा, भाई हमारी साइकिल बन चुकी है, और गाइस आपको बता दें अभी चल रहे हैं हम गद्दीपुर आटा लाने। और गाइस आपको बता दें, देख सकते हैं भाई हमारा बाल कैसे हो चुका है, क्योंकि भाई हवा चल रही है और बाइक वाइक जा रहे हैं तो हवा लग रही है, इसी वजह से बाल को देख सकते हैं कैसे हो चुका है, एक न्यू पैटर्न बन चुका है हमारे बाल का। और गाइस आपको बता दें कि हमारे गाँव की लाइट भी कट चुकी है, और अभी चलते हैं फोन चार्ज करते, उसके बाद आटा लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे घर। और गाइस देख सकते हैं अभी रोड पे गाड़ी वाली चल रही है, और सनसेट भी होने वाला है फिलहाल, अभी 1-2 घंटे में हो जाएगा। गाइस चलते हैं आटा लेते, उसके बाद फोन चार्ज करते, उसके बाद चलते हैं घर। ऊपर
सभी का सीन कुछ ऐसा है भाई, अभी रात के 6:33 हो चुके हैं और गाइस आपको बता दें कि अभी हमारे यहाँ लाइट कट गई थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई लाइट कट चुकी है और हम जा रहे हैं फोन चार्ज करने गद्दीपुर, बट भाई फोन चार्ज करके ले आए और उसके बाद हमारे यहाँ लाइट आ गई। देख सकते हैं ये लाइट आ चुकी है क्योंकि भाई कल कटी थी और आज अभी शाम को जुड़ी थी, तो अभी 6 लाइट आई। और इधर मम्मी बना रही है खाना। मम्मी क्या बना रहे हो आज? देसी खिचड़ी। आज भाई देसी खिचड़ी बन रही है, यानी कि भाई जिसे तहरी कहते हैं वो तहरी नहीं बन रही, तहरी तो भाई मसाले वाली बनती है, बट हमारे यहाँ दाल वाली बन रही है खिचड़ी। और अभी बनती है आपको दिखाते हैं। और देख सकते इधर पढ़ाई हो रही है हमारे घर में, जैसे उधर वो वाला भाई, इधर ये वाला भाई, इधर ये वाला भाई, और हम भी भाई पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि भाई देख सकते ये हमारी प्रोजेक्ट फाइल है, आपको दिखाई। ये हमारी प्रोजेक्ट फाइल है और इसमें लिखा हुआ है ज्योति पब्लिक स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज गद्दीपुर सलोर रायबरेली, बट आप देख सकते हैं भाई ये है प्रोजेक्ट, ये भाई दूसरे की है सुमित तिवारी की, बट आपसे बता देते हैं कि अभी हम इससे कर रहे हैं क्योंकि भाई हमारे पास इंग्लिश की बुक नहीं है। और भाई देख सकते हैं ये इंग्लिश का चैप्टर है सब, इसीलिए इंग्लिश की बुक नहीं है और सब लिखवाए थे बुक से। फिलहाल इसको लेके आए हैं, ये वाली हमारी है देख सकते हैं, ये देखो फिलहाल इसमें लिखते हैं उसके बाद फिर हम देखते हैं। ये भाई हमारी प्रोजेक्ट फाइल और गाइस आपको बता दें कि ये मिली थी हमारे यहाँ सलोन में 20 की एक प्रोजेक्ट फाइल, बट आपसे बता दें सबसे पहले लिखते हैं फिर उसके बाद खाना वाना खाएंगे, वो तो काम ही धाम है भाई, खाना वाना खाने के बिना खाना खाए कहाँ जी पाएंगे हम लोग। फिलहाल देखते इधर पढ़ाई हो रही, इधर मम्मी खाना बना रही, खाना वाना बन जाता है उसके बाद खाते पीते। जैसे आप देख रहे हैं भाई हमारे यहाँ खाना वाना बन चुका है और भाई लोग खा रहे हैं। और गाइस आपको बता दें कि हमारे यहाँ आज क्या बना हुआ, फिलहाल हम तो बता ही दिए क्या बना है, और ये बनी है भाई आज खिचड़ी। ये देखो भाई दाल वाली बनी है खिचड़ी और उसके साथ खाने में क्या है, इधर देखो भाई ये है भाई मट्ठा, ये देखो ये है भाई मट्ठा और ये है अचार, ये देखो भाई सूरन, ये देख सकते हैं गाइस ये सूरन का अचार है जिसे क्या कहते हैं, सूरन ही कहते हैं, सूरन ही कहते हैं फिलहाल, आप लोग के यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं तो हमें नहीं पता है। और देख सकते सब लोग खा रहे हैं, मम्मी भी खाने जा रही है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका फिर से एक नए दिन में स्वागत। तो गाइस आज है ट्यूसडे, बट आपसे बता देते हैं अभी हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं जैसे आप देख रहे हैं। और गाइस आपको बता दें भाई हम कोचिंग से भी आ गए हैं घर और अभी बता दें कि मम्मी बना रही हैं इधर खाना। फिलहाल भाई खाना वाना बन चुका है, सब लोग को खिला रही हैं, हम भी खा लिए हैं और अब निकालते हैं बैग, उसके बाद चलते हैं क्योंकि भाई लेट भी हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। वहाँ से भाई 8 आते हैं, वहाँ 8:30 की स्कूल है, 10 मिनट लग जाता भाई कोचिंग से हमें आने में घर, और 10 मिनट में खाना खाते हैं और 10 मिनट में निकल लेते हैं, पहुँच जाते हैं टाइम से। फिलहाल निकलते हैं और आपको मिलते हैं लौट के आते हैं स्कूल से तब। अभी दोपहर के 2 रहे और गाइस आपसे बता दें अभी हम आ गए स्कूल से और आँख में लग रही है धूप, बट आपसे बता दें मम्मी निकाल रही खाना, आपको दिखा देते हैं खाने में क्या है। भाई सुबह नहीं दिखाए थे, ये देखो भाई खाना, ये देखो रोटी सब्जी और इसमें है भाई चटनी। और देख सकते भाई ये वाला भाई आते ही सबसे पहले फोन पकड़ लिया, फोन चला रहा और फोन में क्या है ये देखो आप खुद ही देख सकते हैं इसमें, ये देखो भाई इसमें मूवी है और सॉन्ग वॉन्ग है फिलहाल। और इधर हम खाना वाना खाते हैं क्योंकि भाई स्कूल से आए हैं तो भूख बहुत तगड़ी लगी है। और देख सकते हैं जैसे मैंने आपसे बताया था भाई कि हम चावल नहीं खाते, बट कल शाम को खाना पड़ गया था क्योंकि हमारे यहाँ चावल ही बना था, खिचड़ी बनी थी कल, तो इसी वजह से खाए थे, बट देख सकते हैं अब खाने चल रहे हैं रोटी। तो गाइस अभी तो हम खाना वाना खा के रेडी हो चुके हैं, बट आपसे बताते भाई अभी चल रहे हैं बैंक। हर बार भाई जाते थे बैंक से पैसे लाने की, जा रहे हैं भाई बैंक में पैसे देने, बट आपसे बता देते ये पैसे किसी को मैंने दिया था और वो पैसे वापस कर दिए। अब चलते भाई बहुत ज्यादा पैसा है तो चलते हैं जमा कर देते हैं, इतना पैसे क्या करेंगे घर में रख के, क्योंकि भाई थोड़े थोड़े पैसे खर्चे होते हैं तो थोड़े थोड़े एटीएम से निकाल लेते हैं। अब भाई इतने सारे पैसे रहेंगे तो भाई जितना घर में पैसा रहता है ना उतना ही खत्म होता है, बट आपसे बता दें भाई सबसे पहले बैंक, बैंक में पैसे जमा करते हैं और लेते हैं मम्मी से पैसे। मम्मी पैसे दे दो, ये है गाइस हमारी पासबुक बैंक की और ये है पैसे, ये देखो इतनी मोटी गड्डी है गाइस। चलते भाई इसको जमा कर देते हैं बैंक में, आपको आज दिखाते हैं कि हमारी कौन सी बैंक है और किस बैंक भाई ये पैसे जमा करने जा रहे हैं। चले मम्मी, फिर मम्मी नहीं जाएंगे भाई, हम ही खाली जाएंगे क्योंकि मम्मी घर में रहे तो अकेले काम है भाई, अकेले करके चले आएंगे, इतना सारा पैसा भाई कुछ ज्यादा नहीं है, चलेंगे अभी जमा करके आ जाएंगे। भाई धूप भी बहुत तेज है जैसे आप देख रहे हैं, ये देखो इधर आपको दिखा देते हैं, ये देखो भाई कितनी तगड़ी वाली धूप है, बट चलते हैं सबसे पहले बैंक, बैंक में पैसे जमा करते हैं उसके बाद जो होगा आपको बता देंगे। फिलहाल गाइस हम तो भाई पैसे जमा कर दिए बैंक में, बट आप बता देते ये वाली हमारी बैंक है देख सकते हैं, ये भाई ग्रामीण उत्तर प्रदेश बड़ौदा बैंक है। और आपको दिखा देते हैं रसीद, ये देखो ये रसीद मिली है
और गाइस साथ बता बड़ी वाली बैंक में नहीं पैसा जमा करवाया क्योंकि भाई वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, तो हम छोटी बैंक में जमा करवा दिए नीचे, उसके ही नीचे भाई छोटी वाली बैंक उसी में जमा करवा दिए। बट अब चलते थोड़ा सामान लेना है, सामान लेके चलेंगे। और देख सकते भाई ये वाली हमारी बैंक है, ये देखो ऐसी है भाई, फिलहाल पेड़ ओड़ है ना इसी वजह से दिखाई नहीं देता। और ये हमारी बाइक है, चलते हैं इनके साथ, ये भी भाई हमारे दोस्त ही हैं और पैसे हैं, उसके बाद निकलते हैं सामान वाल लेंगे, उसके बाद निकल चलेंगे। रात बजकर 8:00 हो चुका है, फिलहाल हम तो खाना वाना खा के रेडी हो चुके हैं। बट आपसे बता दें भाई, मम्मी भी खाना वाना खा के रेडी हो चुकी हैं, क्योंकि देख सकते हैं मम्मी भी खटिया बैठी हुई हैं और इधर छोटे वाले भाई खा रहे हैं खाना, ये देखो। और उस वाले फोन में चल रहा बालवीर अभी, ये देखो बालवीर चल रहा गाइस। और गाइस आपको बता देते हैं कि देख सकते हैं ये भाई हमारी बुक, और यहीं पे भी बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। ये भाई प्रोजेक्ट जैसे फिलहाल मैंने कल दिखाया था, वही वाली भाई प्रोजेक्ट है और लिख रहे हैं और पढ़ना भी है फिलहाल। और गाइस अभी रात के 7:18 हो चुके हैं। और गाइस आपको बता दी कि रात में हम चलाते हैं ये वाली भाई कूलर एसी सब है भाई, कूलर तो भाई फिलहाल ठंडी हवा देती है, बट भाई ये गर्म एसी है और गर्म भी भाई देती है और ठंडी भी हवा चलती है फिलहाल। और आपको चलाएं दिखाएं, तो चल जाओ भाई, ये देखो भाई लाइट जल गई ना, ये देखो ऐसी भाई अभी है फिलहाल, अभी नहीं चलाते हैं, रात में जब सोने लगते हैं तब चलाते हैं फिलहाल। भाई अभी उतनी ज़्यादा ठंडी भी नहीं पड़ती है कि भाई हम रह ना पाएं, और फिलहाल जैसे एक जैकेट डाल लिए हैं और अभी चलते हैं पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर आज की पढ़ाई तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बट आपसे बता दें भाई, इधर चल रही पीछे मूवी, जैसे आप देख रहे हैं फोन में, और इधर मम्मी लोग लेट के देख रहे हैं, और इधर भाई भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। ये भाई देख सकते, छोटा वाला भाई सो भी चुका है। और गाइस आपको बता दें अभी रात के 10:30 हो चुके हैं। बट आपसे बता दें भाई कि अभी हमें वीडियो भी एडिट करना है, क्योंकि लमसम भाई वीडियो एडिट करने में लमसम 1 घंटे हमें लग जाएंगे वीडियो एडिट करने में, और उसके बाद फिर अपलोड करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे, भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लमसम भाई 12 या 12:30 बजे आज सोएंगे फिलहाल। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, हमारे नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए भाई करते हैं बाय बाय।